हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में। जो ग्रेजुएशन पास आउट छात्राएं हैं उनके लिए जो है यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत जो है आपको एक सहायता राशि मिलती है। देखिए यहाँ पे सहायता राशि जो है, अगर आप 2022 में जो है ग्रेजुएशन पास किए तो आपको 50,000 रुपये की सहायता राशि मिलेगी। अगर आप 2021, 20, 19 में जो है पास आउट किए तो आपको 25,000 रुपये की सहायता राशि जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आपको दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए अगर आप जो है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आप कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकती हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी नहीं अप्लाई कर सकती हैं, यहाँ पे लिस्ट में आप एक बार जो है अपना जरूर चेकआउट कर लें, उसके बाद ही जो है अप्लाई करें। तो देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ पे जो है अगर आपके महाविद्यालय का नाम सूची में नहीं है तो आप अपने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से संपर्क कर उसमें नाम जोड़ने का जो है यहाँ पे आग्रह कर सकते हैं। अगर आपका जो है यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के पोर्टल पे तो वो उसके लिए आप जो है ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का नाम है, उसकी लिस्ट देखने के लिए आपको इस ऑप्शन पे आना होगा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, क्लिक हियर टू व्यू। इस पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है टोटल यूनिवर्सिटी का जो नाम है यहाँ पे लिस्ट में इस तरह से आपको दिख जाएगा। सपोज दैट आप मगध विश्वविद्यालय बोधगया चूज करते हैं तो यहाँ पे आपका नाम इसमें है कि नहीं वो आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे आपका नाम का फर्स्ट 3 लेटर जो है आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। सपोज डैट आपका नाम संगीता है तो ASAN टाइप करेंगे और उसके बाद व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलेज का नाम आ जाएगा और स्टूडेंट का नाम जो है यहाँ पे आ जाएगा। पूरी डिटेल देखिए इस तरह से ASAN से जिसका भी नाम है वो पूरी लिस्ट आ जाएगा, यहाँ पे फीमेल आ जाएगा, यहाँ पे जो है आपका आधार नंबर का जो है यहाँ पे 3 लास्ट डिजिट जो है यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो इस तरह से देख सकते हैं अपना लिस्ट में जो है नाम, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो है कॉलेज के नाम में जो है आपका नाम यहाँ पे ऐड है कि नहीं। अगर आपका नाम ऐड है तो सिंपली आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बैक करते हैं, होम पेज पे चलते हैं। यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो आपके आधार में भी नाम जो है सेम होना चाहिए, नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है सेम मैच करनी चाहिए। यहाँ आवेदन करने की कोई अंतिम तिथि जो है यहाँ पे निर्धारित नहीं की गई है, तो ये भी एक अपडेट आई है कि आवेदन करने का जो है अभी यहाँ पे टाइम जो है फिक्स नहीं की गई है। आगे लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी एंड पासवर्ड का उपयोग करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करके सिंपली आप अप्लाई करेंगे तो लॉगिन करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं भुगतान की जानकारी के लिए, अगर आप जो है ऑनलाइन कर दिए हैं, आपकी एप्लीकेशन किस स्थिति में है, कहाँ पे है, उसकी डिटेल्स आप चेक करने के लिए क्लिक हियर टू व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम डाल देंगे और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो है 3 लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद जो है आपको व्यू बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे टाइप करते हैं, देख लेते हैं इसमें लिस्ट में नाम है कि नहीं, यहाँ पे व्यू करते हैं तो कोई भी रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है, देखते हैं यहाँ पे भी लिस्ट में नाम नहीं है। चलिए छोड़िए इसको, वो आप आवेदन यहाँ से जो है भुगतान की स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये बता दिया कि कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी का नाम है वो यहाँ से आप चेक कर लेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेशन काउंट यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना जो है एप्लीकेशन यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हुआ है, यूनिवर्सिटी बाय टोटल एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आवेदन हुए हैं उसकी लिस्ट आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी लिस्ट आपको पता चल जाएंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितना आवेदन जो है अभी तक हुआ है। अगर देखिए आपका यूजर आईडी जो है पासवर्ड जो है वो आप भूल गए हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे सर्च बाय आप डेट ऑफ बर्थ के द्वारा सर्च कर सकते हैं या मोबाइल नंबर के द्वारा सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे अपना नाम डालना होगा, आधार नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा और व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन, यूजर आईडी जो है, पासवर्ड जो है आप प्राप्त कर सकते हैं।
चलिए, और नेक्स्ट जो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, व्यू एप्लीकेशन स्टेटस ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का जो है स्टेटस देख सकते हैं। उसके लिए सिंपली क्लिक हियर टू व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आप आधार नंबर से या अकाउंट नंबर से जो है अपनी आवेदन के स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पे डालेंगे आधार नंबर और सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है आवेदन की जो है स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे जो है ऑनलाइन आवेदन करने हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आपको फ्रेश आवेदन करना है तो यहाँ पे जो है आप क्लिक करेंगे। आवेदन पत्र भरने में किसी तरह के तकनीकी समस्या आपको है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे, आदर्श अभिषेक के मिलेंगे, राजकुमार का, कुमार इंद्रजीत का जो है आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर मिलेंगे। तो उस पे जो है डायरेक्टली आप 10 AM से लेके 6 PM तक जो है डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आवेदन करने के लिए क्लिक हेयर टू यहाँ यहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद पूरी इंस्ट्रक्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, फोटो की साइज क्या होगी, सिग्नेचर की साइज क्या होंगी, डॉक्यूमेंट्स का जो है फॉर्मेट वो किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट जो है आपको PDF में अपलोड करना है। 500 KB से कम जो है साइज आपको डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। यहाँ पे आपको परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो है लगानी है जो भी PDF में होगा, और 500 KB इससे कम इसका साइज होगा। बैंक का पासबुक जो है आपको अटैच करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मार्कशीट जो है आपको अटैच करना है। तो इस तरह से जो है आवेदन करने की जो है पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे दी गई है, जिसकी मदद से जो है आप डायरेक्टली जो है यहाँ पे वो देख सकते हैं और आवेदन जो है कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का मस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने बताया, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कौन कौन जो है आवेदन करेंगे, आपका कॉलेज का नाम उसमें अपडेट है कि नहीं, आपका नाम उसमें है कि नहीं, कैसे आप यूजर ID को प्राप्त करेंगे, पासवर्ड भूल गए हैं तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, अपने एप्लीकेशन का स्टेटस कैसे देखेंगे, हेल्पलाइन नंबर कैसे आप प्राप्त करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमने इस वीडियो में कवर की हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।